दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउच एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है। ईडी ने कोर्ट में न्यायिक हिरासत की मांग की थी। अरविंद केजरीवाल की पेशी के दौरान पत्नी सुनीता, आप नेता सौरभ भारद्वाज, आतिशी, गोपाल राय समेत कई नेता मौजूद रहे। बीते 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने राहत नहीं दी थी और 1 अप्रैल के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया था। ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल पक्ष के वकील ने जेल में कुछ दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए कहा है, साथ ही 3 किताब की भी मांग की है, जिसमें रामायण, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड बाय जर्नलिस्ट नीरज चौधरी, महाभारत। केजरीवाल के वकील ने स्पेशल डाइट की भी मांग की है। अरविंद केजरीवाल ने अपना लॉकेट और टेबल चेयर की भी मांग की है। अदालत ने कहा है कि वो ईडी के समक्ष स्थित रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देती है, क्योंकि वो ट्रायल कोर्ट के आदेश के अनुसार हिरासत में है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि उन्होंने याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ईडी ने न्यायिक हिरासत की मांग की है। एएसजी ने कहा कि केजरीवाल ने अभी तक पासवर्ड साझा नहीं किए हैं। रमेश गुप्ता और एएसजी राजू वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़े। एएस राजू ने आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल जाँच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। राजू ने कहा केजरीवाल सवालों के सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। अदालत को ये सब बताने का मकसद है कि ईडी आगे भी केजरीवाल की हिरासत की मांग कर सकती है। कथित आबकारी घोटाला मामला, केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल राउच एवेन्यू कोर्ट पहुंची। थोड़ी ही देर में केजरीवाल को स्पेशल जज कावेरी बबीजा की अदालत में पेश किया जाएगा। आज केजरीवाल की 4 दिन की रिमांड अवधि पूरी हो रही है। केजरीवाल को 21 मार्च को उनके आवास से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आबकारी नीति बनने के दौरान कोई घोटाला नहीं हुआ। साथ में आरोप भी लगाया कि ईडी का मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म करना है। इससे पहले 6 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च को राउच एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। उधर ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने अदालत से 7 दिन की हिरासत मांगते हुए कहा कि केजरीवाल जांच एजेंसी का सहयोग नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक अपने खातों के पासवर्ड साझा नहीं किए हैं। ऐसे में ईडी के पास डिजिटल डेटा नहीं है। मुख्यमंत्री ने अपना आयकर रिटर्न से जुड़े दस्तावेज भी नहीं दिए हैं। वहीं जांच एजेंसी को केजरीवाल का सामना कुछ अन्य लोगों से कराने की जरूरत है। इस घोटाले में जो भी पैसा आया है उसका इस्तेमाल गोवा चुनावों में हुआ है। एजेंसी आपके गोवा के उम्मीदवारों के 4 और बयान दर्ज किए जा रहे हैं। दोनों पक्षों का सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए रिमांड की अवधि 1 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया।